हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजाता। एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे लोगो डिजाइनिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोई भी लोगो बनता क्यों है। लोगो बनने का रीजन है जैसे कि किसी भी फर्म का नाम, कोई बड़ा सा नाम दिया हुआ है। इस बड़े से नाम को लोगों को याद करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए फर्म के नाम को शॉर्ट में करने के लिए एक लोगो डिजाइन किया जाता है। जैसे कि घरों में भी किसी के नाम बड़े होते हैं तो हम उन्हें शॉर्ट में छोटे छोटे नामों से बुलाते हैं। इसी तरीके से जब किसी फर्म का नाम बड़ा होता है तो उसके लिए एक लोगो डिजाइन किया जाता है। और लोगो इस तरह का होना चाहिए जिसे देखकर यादगार रह सके, कि जैसे कि पेप्सी का है, पेप्सी का लोगो, कोका कोला का लोगो, इनको देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये पेप्सी का है, ये कोका कोला का है। इसी तरह से कोई भी फर्म का आप लोगो बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइए कि आपको याद करने में आसानी हो, या उसको आप देखकर उसको पहचान सके कि हाँ ये इस फर्म का लोगो है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ लोगो दिए हुए हैं। इसमें अब ये जो लोगो है, इस लोगो को आप छोटा या बड़ा करेंगे तो इसके साइज में फर्क आ जाएगा। अगर इसको बड़ा करेंगे तो इसके ये एल का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, या आप इसको छोटा करेंगे तो ये एक्यूरेट साइज में नहीं आएगा जो इस लोगो में अभी दिख रहा है। ये लोगो ऐसा होना चाहिए जिसका साइज छोटा या बड़ा करने पर वो बिल्कुल बिगड़े ना, मतलब एक्यूरेट उसका जैसा वो लिखा हुआ है वैसा ही प्रिंटिंग में आए। देखिए हमने यहाँ कुछ टाइप भी किया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। लोगो में टाइप ऐसा इस्तेमाल करें जिसे पढ़ना मुश्किल ना हो, लोगो छोटा या बड़ा करने पर पढ़ने में आसान हो। आप लोगो सिर्फ टाइप से भी बना सकते हैं, टाइप के साथ लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल और क्लिप आर्ट से बना सकते हैं। क्लिप आर्ट वेक्टर होनी चाहिए, यानी पिक्चर या फोटो का प्रयोग ना करें, कोरल ड्रॉ में ट्रेस करके ही बनाई गई है। अगर लोगों में हम पिक्चर का यूज करते हैं तो वो क्या है, जैसे कि अभी लोगो छोटा है तो पिक्चर उसमें आ जाएगी। अगर वही लोगों को अगर हमें बड़ा करके बनाना है तो पिक्चर को जब वो बड़ा करेंगे तो ब्लर होगी। तो इसलिए लोगों में कभी भी पिक्चर का यूज नहीं करना, उसमें हमेशा वेक्टर फाइल का ही यूज करना है। ये देखिए ये जो लोगो है, नीचे वाले लोगो, ये जो हमने लिखे हुए हैं, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा वेरिएशन आता है, इसमें इतने अच्छे कट्स हैं कि ये तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो लोगो ऐसा होना चाहिए जब आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट करें तो लोगो ऐसा होना चाहिए कि उसके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे। जैसे कि ये वाला लोगो है, अगर इस लोगो को आप जितना भी छोटा या बड़ा कर लें इसकी प्रिंटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि हमने ये लोगो है इसको छोटा किया, तो देखिए छोटा करने पर भी ये सेम आ रहा है और बड़े पर भी ये सेम आ रहा है। लोगो ऐसा ही होना चाहिए। अब ये देखिए कुछ लोगो और हैं, इसमें क्या है, हमने ग्राफिक्स का यूज़ किया है। जैसे कि ये वाला लोगो है, ये हमने इसमें कुछ ग्राफिक्स यूज किया है। ये वाला जो लोगो है ये हमें दिखाता है कि स्नेह के लिए बना हुआ है। ये वाला वर्ल्ड के हिसाब से आ रहा है, इसमें हमने वर्ल्ड की पिक्चर डाली हुई है तो ये वर्ल्ड के लिए है। अब ये देखिए ये जो लोगो है वर्ल्ड के लिए जो हमने डिज़ाइन किया है, इसमें क्या है, हमने पिक्चर का यूज़ किया है। तो पिक्चर का यूज जब लोगो छोटा है तब तो ठीक है, अगर हम इसी को अगर हम बड़ा करते हैं तो ये जो पिक्चर में पिक्चर की क्वालिटी है वो ब्लर हो जाती है। ये देखिए ये पिक्चर की क्वालिटी ब्लर हो गई। तो आप हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए कि लोगो में पिक्चर का यूज ना करें। ये वाले जो लोगो हैं ये टोपोग्राफी से बने हुए हैं, और ये जो लोगो हैं वो हमने इसमें ग्राफिक्स का यूज किया हुआ है, इसमें क्लिप आर्ट का इस्तेमाल भी किया है। कोरल ड्रॉ में ट्रेस करके जब लोगो बनाते हैं तो उन लोगों को अगर हम बड़ा या छोटा करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है, बड़ा करने पर उसकी क्वालिटी ब्लर नहीं होती है। बिटमैप में इमेज जो है फटी फटी नजर आती है, ब्लर हो जाती है, इसलिए लोगो में बिटमैप का यूज नहीं करना चाहिए। तो हमने जाना कि लोगो किस तरह से बनाया जाता है। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें यह भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।